तोड़ के आप लोग से प्रार्थना कर रहे हैं सर, जो भी मेरी आवाज सुन ले आप इस शराबा बंद कर दीजिए, नहीं बर्दाश्त हो रहा है हमसे। ये चीख, ये आंसू, ये दर्द उत्तर प्रदेश की उस अभ्यर्थी का है जिसे शायद 69,000 शिक्षक भर्ती में पूर्णांक प्राप्तांक में कुछ त्रुटियों की वजह से नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ये दर्द सिर्फ इस अभ्यर्थी का ही नहीं है बल्कि उन सैकड़ों अभ्यर्थियों का है जो त्रुटि सुधार के लिए शासनादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा नंबर हम लोग लेकर के भटक रहे हैं दर दर। क्या एक ही शपथ पत्र लेकर आप हमारी मांग को नहीं पूरा कर सकते? हमारी मूल अमले की कोई वैल्यू नहीं है जो हमने जिंदगी भर से कमाया हुआ है। कह दीजिए, अब चलवा दीजिए, गोले मार दीजिए, बंद कर दीजिए आवाज, ना हम रहेंगे ना हमारी आवाज निकलेगी। कहते बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सिर्फ बेटी सड़क करके भीख मांगे इनके। इससे अच्छा तो हमारे माँ बाप हमको मारते होते जन्म लेते ही, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता है हमें। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को यहाँ पे आए हैं और सतीश द्विवेदी जी के आवास घेरने का प्लान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आवास घेरने का प्लान नहीं, क्योंकि बात पिछली बार माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप हमारा आवास नहीं घेर सकते, इसलिए हम रोड के किनारे बैठ करके उनसे विनती कर रहे हैं। हम लोग की ज़िंदगी तो कूड़े कुत्तों से भी बदतर हो गई है, कीड़े मकोड़े भी इससे सही तरीके से जीते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहली बार हमने अपनी गलती 29 दिसंबर 2018 को पीएनपी सचिव को बताई थी, तब ना तो कोई चैन लिस्ट आई थी, ना तो कोई ऐसा कुछ आया था। अगर ये चाहते तो एक बार ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, या हमको बुला करके ही हमारी गलती को सुधारने का मौका दे सकते थे। 2018 से हम अपनी गलती के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, कुत्तों की तरीके से भी गए गुजरे हो गए। ये होने वाले शिक्षक आप देख रहे हैं किस किनारे, जहाँ देखिए रोड पर सड़कों के किनारे ऐसे ही बैठ जा रहे हैं। उस दिन अभी 2 दिन पहले जब हमने SERT में अपनी मांग को ले करके बैठे, तो वहाँ से रात में 8 बजे ज़बरदस्ती टांग करके हमको इको गार्डन डाल दिया गया। वहाँ बिना रजाई के ऐसे ही हम सड़कों पर बैठे रहे, उसी के अंदर ऐसे ही ठुठर करके बैठे रहे, ना रजाई थी ना कंबल था हमारे पास, पूरी रात ऐसे काट दी। दिन भर भी वो हमको बाहर नहीं निकलने दिए, एक कप चाय तक हमें नसीब नहीं हुई। इस तरीके से बताइए, शिक्षक की गरिमा को जैसे तार तार किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? शिक्षा मंत्री साहब की बात हुई है, बिल्कुल सर, ये आप इस डाटे को अच्छे से दिखा सकते हैं कितनी बार सबसे मैंने बात की है। माननीय मंत्री जी से 4 से 5 बार बात हुई, लेकिन हो क्या रहा है, 2018 से हमें केवल मौखिक आश्वासन मिलता चला आ रहा है, लिखित में कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि हमारी समस्या का निराकरण हो सके। और ऐसे ही कब तक आखिर हम भटकते रहेंगे? गलती तो हो जाती है, वो भी हम लोगों से जानबूझ के तो नहीं हुई, टंकर त्रुटी है, अंक इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन हम सभी उनकी मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी योग्यता पर भी खड़े उतर रहे हैं, उनके जो मानक थे, जो मापदंड थे, सभी को हम पूरे कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा नहीं समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या करने आज आप यहाँ पे आए हैं? हम लोग मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंत्री जी के आश्वासन से ही हम लोगों का निरस्तीकरण रुका था, और आज हम इसी उम्मीद के साथ मंत्री जी के पास आए हैं कि ये फिर से हम लोगों को हम लोगों को ज्वाइनिंग पत्र के लिए कुछ निर्देशित कर दें, क्योंकि हम लोग अगर उनसे वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं सचिवालय में, तो हम लोगों को ना तो पास मिलता है और ना ही हमें अंदर जाने दिया जाता है। हर एक तरीके से हम लोगों ने कोशिश करके देख ली, जब हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आज फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से 4 से 5 लोग अंदर जा करके बात करें और इन सभी लोगों को सूचित कर दें कि अंदर मंत्री जी क्या कहते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों का मकसद ऐसा नहीं है कि घेराव करना या उग्र प्रदर्शन जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनसे मिलना है और उनसे अपनी समस्या, अपनी पीड़ा को बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के गार्जियन वही हैं, तो वही हमारी समस्या को पहले भी सुने थे और उन्हीं से पहले आप लोगों ने SCE कार्यालय के बाहर धरना दिया था, उसके बाद आप लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया था, वहाँ पे आप लोगों के साथ क्या सलूक किया गया था? सर, वहाँ पे हम लोगों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, ना तो रहने के लिए कुछ बिछाने के लिए, ना कुछ ओढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं दिया गया था। पूरी रात हम लोग वहाँ पे ठठुरते रहे, हमारे साथ साथ कई सारी महिलाएं अभ्यर्थी थी, उन लोगों के लिए यहाँ तक महिला कांस्टेबल की भी व्यवस्था नहीं की गई थी, और अगले दिन तक भी एक चाय के अलावा और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। और शाम को 6 बजे के बाद हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, कहा गया आप लोग यहाँ से चले जाइए और जहाँ कहाँ जाएंगे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप समझिए। और अगर किसी भी तरह के हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे तो उनका एक ही लाइन में जवाब होता था कि ऐसा धारा लगाऊंगा कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रह जाओगे, सारी नौकरी भूल जाओगे।